हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर फूड। एक गर्मा गर्म आलू भरे नान, आलू टमाटर की सब्ज़ी, दाल मखनी, रायता, चटनी के साथ इनको परोस के खा सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं। तो सादा नान तो खाने में अच्छे लगते ही हैं, लेकिन भरवा नान और भी स्वादिष्ट लगते हैं। भरवा नान हम आलू के, पनीर के, गोभी के, दाल के आदि चीज़ों से बनाते हैं और इन्हें बनाकर हम लोग तैयार करते हैं। लेकिन सारे भरवा नान बनाने का एक ही तरीका होता है, तो आज हम आपको भरवा नान यानी आलू के भरवा नान बनाएंगे। तो आइए इनको शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये सामान, नमक ले लिया है और ये बेकिंग सोडा है, ये पाउडर शुगर है और ये बेकिंग पाउडर है और ये तेल है। इसके साथ ही हमने दही ले लिया है और फिलिंग के लिए हमने हरा धनिया और हरी मिर्च कटी हुई और ये आलू 4-5 उबले हुए ले लिए हैं। इनको उबाल के हमने मैश कर लिया है। तो चलिए पहले हम आटा लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लगभग 400 ग्राम मैदा ले ली है, ये लगभग 2 कप के आसपास मैदा है। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल लेते हैं, फिर इसमें पाउडर शुगर को डाल लेंगे, बेकिंग सोडा डाल लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें लगभग 2 टेबल स्पून दही डाल लेते हैं और इसके साथ ही हम ऑयल 2 टेबल स्पून डाल लेते हैं। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके हाथ से धीरे धीरे मिलाइए और सारी मैदा में चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और थोड़ा पानी, जितना कि आटा लगाने के लिए पर्याप्त हो, डालकर एक नरम आटा लगाएंगे। आटे को अच्छी तरह हाथ से मल मल कर चिकना करेंगे। ये आटा बहुत ही हल्का हो जाता है और गुथे हुए आटे को लगभग हम 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे और आटा फूल कर नान बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये आटा लग के तैयार हो गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं और इसको हम गीले कपड़े से ढक के 1 घंटे के लिए रख देते हैं। चलिए यहाँ पर हम फिलिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमने एक बाउल ले लिया है और उसमें हमने उबाल के मैश किए हुए आलू डाल लिए हैं। इसके साथ ही हम इसमें लगभग 2 टेबल स्पून हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च स्वाद अनुसार, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये लगभग 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक अच्छी सी पिट्ठी तैयार कर लेंगे। अभी मैं इसमें हरा धनिया डालना भूल गई, तो मैं हरा धनिया इसमें 1/2 कटोरी डालती हूँ और इसको भी अच्छे से पिट्टी के साथ मिक्स कर लेती हूँ। तो ये आलू नान बनाने के लिए, फिलिंग के लिए ये बिल्कुल पिट्टी तैयार हो गई है आलू की। तो हम इसके छोटे छोटे पेड़े टाइप बना लेंगे
जितने नान हमें बनाने हैं उस हिसाब से हमें छोटे छोटे पेड़े की फिलिंग की है, छोटे छोटे पेड़ तैयार कर लेने हैं। पेड़े बनाने से हमारा आइडिया बिल्कुल सेम रहता है, हर नान में बराबर फिलिंग जाती है और बाद में हमें पेड़े बनाने का झंझट भी ख़त्म हो जाता है। तो ये फिलिंग के सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो हम आटा चेक कर लेते हैं, एक घंटा हो गया है और देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। तो तैयार आटे को हम 10 बराबर भागों में बांटकर गोले बना लेंगे और पिट्ठी को भी हमने 10 भागों में बांट लिया है। इसी तरह से हम सारे गोले बना लेंगे, गोले तैयार कर लेंगे। तो चलिए आटे का एक गोला उठाइए और मैदा के सूखे परोथन में लपेटिए और गोलाकार 5-6 इंच के व्यास तक बेलिए। बेले गए नान के ऊपर आलू रखिए और चारों तरफ से उठाकर बंद कीजिए। इस आलू भरे बंद लोई को थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर और हाथ और उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा बेल लीजिए। बेलन की सहायता से हल्के से दबाव देते हुए इसको 6-7 इंच का व्यास में बेल लीजिए। अब इसमें ऊपर से काले तिल या कलौंजी, जो प्याज का बीज होता है, वो डालिए और थोड़ा सा हरा धनिया डालिए और बेलन से इसको अच्छे से बेल लीजिए। तो देखिए एक नान हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से हम एक और आपको तैयार करके दिखाते हैं। तो सेम प्रोसेस से आटे का एक गोला उठाइए, मैदा के सूखे परोथन में लपेटिए और गोलाकार 5-6 इंच के व्यास तक बेलिए और उसके अंदर आलू का भरें और बंद लोई को थोड़ा सूखा मैदा लगाकर हाथ और उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा बेल लीजिए और बेलन की सहायता से इसे थोड़ा लंबा कर लीजिए। साइज आप जैसा भी करना चाहें। फिर इसमें कलौंजी और थोड़ा सा हरा धनिया लगाकर इसको दबा के थोड़ा बेल लें। हल्के दबाव देते हुए गोलाकार 6-7 इंच के व्यास में बेलिए और अब इसको पलट के दूसरी साइड से हल्का सा दबाव देते हुए बेलिए और इस पे थोड़ा सा दूसरी साइड पानी अप्लाई कीजिए। और पानी अप्लाई करने के बाद हम इसको तवे पर रख लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट गरम तवे पर रख लीजिए या फिर इस तरह से ठंडे तवे पर रख के उसको गरम गैस पे गरम होने रख दीजिए। और ये देखिए एक साइड से थोड़ा सेक जाए तो इसको तवे को उल्टा करके चारों तरफ से सेक लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सेक के दोनों साइड से तैयार हो गया है। तो ये पूरी अच्छी तरह से सेक गया है तो इसको निकाल लेंगे। अब फिर गैस पर तवा गरम करें, तवे पे बेली हुई नान को पलट कर रखें ताकि धनिया पत्ती वाला हिस्सा ऊपर रहे। और जब ये नान हल्की फुल्की फूलने लगे तो इसे तवे से उठाकर आँच थोड़ा उठा कर रखें ताकि ये दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पककर करारी होने तक सिक जाए। तो सब तरफ से पलट के हमें इसे सेकना है, एक तरफ नहीं रोकना है, नहीं तो नान जल जाएगी। तो इसे अच्छी तरह करारी होने तक सेकना है। और देखिए सिक गई है तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इस पर बटर लगाकर प्लेट में रखेंगे। बटर या घी जो भी आपके पास हो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी नान बना लें।
और ये नान को छोले के साथ खाएं और खिलाएं। तो आपको ये नान की रेसिपी कैसी लगी? आलू नान आप भी अपने घर पे इसी तरह से ट्राई कीजिए और मेरे लिए बताइए कि आपको ये कैसा लगा, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और आगे मुझे ये भी बताइए कि मुझे आगे आप लोगों को क्या बनाना है, तो मैं वही आप लोगों के लिए तैयार करूँगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।